खाने पीने की कई चीज़ों पर जीएसटी लागू हो गया है। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज शामिल है। इन पर 5% जीएसटी लग गया है। आज से पहले तक ये सामान जीएसटी के दायरे से बाहर थे, कल से इन्हें जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। इसके विरोध में नागपुर शहर युवक कांग्रेस के वसीम खान के नेतृत्व में युवाओं ने अर्धनग्न कर भीख मांग कर रोष जताया। इस दौरान वसीम खान ने कहा कि ये मोदी सरकार का देश की आम जनता के खिलाफ एक और कठोर फैसला है। अनाज और अन्य कई चीजों पर 5% जीएसटी लागू की। घरेलू गैस सिलेंडर के रेट आसमान छू रहे हैं। देश में महंगाई बढ़ गई है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार जल्द से जल्द जीएसटी हटाए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, सुशांत गंभीर, अक्षय डोलेकर, फिरोज खान, मनीषा साखरे, सरफराज मेश्राम, प्रीति खान, विजय साखरे, अंकित घुमगावकर आदि उपस्थित थे। आज एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली एफोर्ड नहीं कर पाती है। आज चावल, दाल, ये हर स्टेट की सरकार और इंडिया की सरकार का ये एक वो होना चाहिए था मोटिव के इनको अनाज फ्री देना चाहिए था, तो ये अनाज पे 5% जीएसटी और टैक्स ले रहे हैं। और वहीं पे उनने स्पष्टीकरण दिया है कि अगर से आप 25 किलो अनाज की बोरी लेते हैं, अनाज में जैसे 25 किलो सिर्फ चावल की बोरी लेते हैं या 25 किलो दाल की बोरी लेते हैं तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर से आप सब मिलाकर 25 किलो लेते हैं तो आपको जीएसटी लगेगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये युवाओं को बेघर, युवाओं को बेरोज़गार बनाने की ये मुहिम चल रही है। जाने मोदी सरकार हिंदुस्तान की अवाम के साथ बस से बदतर सलूक कर रही है। ऐसे आज हम रोड पर उतरे हैं, ऐसे आने वाले टाइम में हम रोडों पर उतर कर, और ये सरकार अगर से टैक्स नहीं कम करती है तो हम दिल्ली में जाकर वहाँ भी नरेंद्र मोदी के पीएम हाउस के सामने जाकर धरना देंगे। कैमरा पर्सन सुभाष बूटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।